और देखिए, मुजफ्फरनगर में पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया। पहलवानों के प्रदर्शन को गलत बताया, धरने से नहीं कानून और संविधान के तहत होगा समस्या का समाधान। पहलवानों के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ती मुस्लिम आबादी के खिलाफ जन यात्रा का भी ऐलान किया और 2024 के चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कई अवैध मजारे हैं और अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप की जयंती पर भाजपा नेता संगीत सोम ने यह बयान दिया है। तो देखिए, पहलवानों के मामले में भी बयान दिया कि धरने से नहीं बल्कि कानून और संविधान के तहत समस्या का समाधान होगा। साथ ही कहा कि पहलवानों के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो धरना वो चल रहा है, मेरे ख्याल से वो धरना गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा कर दिया, मुकदमे में जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम धरने से किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड तो कानून और संविधान से होगा। और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में पूरी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान है कि भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक सरकार की बात को पहुंचाएंगे और साथ ही साथ विपक्ष पर भी साधा निशाना भूपेंद्र चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हो रही है। भूपेंद्र जी, ये 2024 को लेकर महासंपर्क अभियान, इसका फायदा होगा? फायदे से मतलब नहीं, हम तो अपना जो हमने काम किया है उन कामों को केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर उन कामों को लेकर जनता के बीच में पार्टी जा रही है। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जो काम हमने किए हैं, तो हम लोग अपने कामों का जनता तक, जनता के बीच में ले जाएंगे। इस तरह की रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। हमारा एक जनसंपर्क का अभियान है 30 मई से 30 जून तक करना है। ये कांग्रेस ने आज मंथन किया है, कह रहे हैं कि अब 24 के लिए हम सबको अपनी तैयारी करने का अधिकार है। नगर निकाय चुनाव में बहुत तैयारी से लड़े थे लेकिन परिणाम तो जनता। पहलवानों के आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने चैलेंज दिया, कहा कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी मैं तैयार हूं। एबीपी गंगा के खास शो बात तो चुभेगी में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया कि पहले आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट हो, उसके बाद मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। ब्रिजभूषण जी, एक बात खिलाड़ियों ने और कही, मेरी एक बार फिर मैं आपकी बात सुनूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भी नार्को के लिए तैयार है लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, यह मांग भी की है बजरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे मैं भी तैयार हूं। हेलो जी, मैं भी तैयार हूं, लेकिन ये टेस्ट कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि मैंने मांग नहीं की है, इन्होंने मांग की है। कपिल साहब, सिब्बल साहब इनके बड़े नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं जिन 9-10 खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो अपनी सहमति दे देंगे। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, मैं अपनी सहमति दे दूंगा। अब बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के दावों की हवा निकलती नजर आई। अब तक कई स्कूलों में छात्रों को किताबें तक नहीं मिली हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों में किताबें बांटने का दावा किया था, लेकिन जब एबीपी गंगा ने रियलिटी चेक किया तो सरकार के दावों की पोल खुल गई। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने भी बयां की है हकीकत, सरकारी स्कूलों में अब तक सिर्फ 15% किताबें ही पहुंची हैं। स्कूलों में पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र और अब भी विभागीय आदेश के इंतजार में है प्रिंसिपल। नहीं, कौन सी मिली है? अभी पुरानी मिली है। पुरानी बुकें थी ना, उनसे पढ़ा रहे थे जी, अभी पुरानी बुक से कर रहे हैं। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं। सुना आपने इन बच्चों की जुबान पर जो बातें आई हैं और जो कैमरे के सामने जो सच बोला है, उसको कैसे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत दरकिनार करते हुए यही कह रहे हैं कि किताबें तो सभी स्कूलों में पहले ही पहुंच चुकी हैं। चलिए एक बार फिर से आपको मंत्री जी का पूरा वाक्य सुनाते हैं। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं और इस बार हमने ये भी निर्णय कर दिया है कि इस साल से अब स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उतने बच्चों के लिए बुक बैंक बन जाएगा, अब हर साल किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ भी कहा गया हो लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट है। स्थिति ये है कि स्कूलों में बच्चे पुरानी किताबों के सहारे ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब एबीपी गंगा ने हकीकत जानने के लिए रियलिटी चेक किया तो सब कुछ बेपर्दा हो गया। कक्षा 8 के बच्चों को पुस्तकों का वितरण हुआ है, बाकी जो कक्षा 6 है, कक्षा 7 हैं, 1-2 किताबें उनकी भी मिली हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि पिछले बच्चों से हमने किताबें लेकर के उनसे हमने उनके अध्ययन जो भी है और प्लस जो विद्यालय के
विद्यालय को विभाग द्वारा मिशन कोशिश 2 का जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया है। इन बच्चों को अभी जो पुरानी बुक्स हैं, जो बच्चे प्रमोट होके थर्ड या फोर्थ में चले गए हैं, उन बच्चों की पुरानी बुक्स से यहाँ पर इनको पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पिछले साल की बुक्स है बच्चे की, और इस बुक के माध्यम से जो टीचर हैं यहाँ ये पढ़ाई रही हैं, क्योंकि सभी टीचर्स ने ये तय किया था कि जब तक नई किताबें नहीं आ जाती हैं तब तक इसी जो पुरानी बुक्स हैं, जो बच्चों की पिछले सिलेबस की बुक्स हैं, उन्हीं बुक से पढ़ाया जाएगा। हालाँकि सरकार का ये दावा था कि मई से अप्रैल महीने से नया सत्र शुरू होगा तो उस वक्त बच्चों को नई किताबें दे दी जाएंगी, लेकिन क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा वक्त हुआ, मई में नई किताबों को छापने का कंपनी के साथ टेंडर होता है और उसके बाद जो किताबों की छपने की प्रक्रिया वो शुरू हुई है। दरअसल प्रदेश भर में 16,501 सरकारी स्कूल और 614 अशासकीय स्कूल हैं, जिनमें पौड़ी 1,994, अल्मोड़ा में 1,713, बागेश्वर में 768, चमोली में 1,325, चंपावत में 682, देहरादून में 1,296, हरिद्वार में 938, नैनीताल में 1,349, पिथौरागढ़ में 1,487, उधम सिंह नगर में 1,110 और उत्तरकाशी में 1,173 सरकारी स्कूल हैं। कुल मिलाकर इन जगहों पर अभी तक मात्र 15% ही किताबें पहुंच पाई है, जबकि करीब 11 लाख बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जानी है। कि लगातार हमारी किताबें प्रिंट हो रही हैं और स्कूलों में पहुंच रही हैं, मुझे लग रहा है 15% से ज्यादा स्कूलों में पहुंच चुकी हैं, और शेष जो बच्चे हैं छुट्टियों में भी हम उनको घर पहुंचा देंगे। वैसे तो हर साल शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले सभी छात्र छात्राओं तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें पहुँच जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े महकमे में शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने सुस्त हैं कि वो सेशन शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी स्कूलों में मुफ्त किताबें नहीं दे पाए। हालांकि स्कूलों द्वारा ये तय कर लिया गया था पहले से ही कि जो पुरानी किताबें हैं उनके माध्यम से बच्चों का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, और पहले सिलेबस के माध्यम पे आप देख रहे हैं कि बच्चे अपना जो मासिक टेस्ट है वो दे रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत हैं या विभागीय अधिकारी हैं, वो कहाँ चूक गए, क्यों नहीं वक्त पर बच्चों को किताबें मुहैया करा पाए। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।